हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अली नाम का एक सफराबर है, उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी बाइक की बैटरी अगर पूरी तरीके से डेड हो गई, बाइक की बैटरी पूरी तरीके से डेड हो गई या खराब हो गई तो क्या करें, इसके बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको बताने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा, बाइक की बैटरी जल्दी लो क्यों होती है ना, वो देखा और उन्होंने कमेंट में ये बात पूछी है। लेकिन उन्होंने कमेंट में क्या बात कही है कि बाइक की बैटरी पूरी तरीके से खराब हो गई है, पूरी तरीके से डेड हो गई है। डेड हो गई इसका मतलब मर गई, डेड का मतलब मर गई, डेड हो गई या खराब हो गई तो क्या करें। तो सवाल कुछ अलग है, लेकिन इनको मोटिवेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अपना वीडियो होता है, अपना चैनल है, खास करके बिगिनर लोगों के लिए। इसके लिए छोटी छोटी बात, बहुत से जन मुझे कमेंट करते हैं, सर जी आपके जैसे जो कमेंट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ये यूट्यूबर ऐसे कोई नहीं मिलता है। कभी कभी कोई कोई बनाते लेकिन ज्यादा करके मिलते हैं, छोटी छोटी बात का वीडियो कोई नहीं बनाता। मैं वीडियो की लंबाई नहीं देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, जो बिगिनर लोग हैं उनको मोटिवेट करना, उनको सिखाना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उनको भी सिखाना, ये मेरा मकसद है। तो छोटी बात है, बहुत से जन सोचते रह गए ये क्या वीडियो बनाए रह ले इसके बारे में, लेकिन मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मोटिवेट क्यों आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, जो डेड हुई वाली बैटरी है उसका तो कुछ इस्तेमाल नहीं रहा, जैसे जो पत्थर है मरा हुआ है या जो नॉन लिविंग थे, जैसे कोई भी मर गया तो इसका मतलब कुछ फायदा नहीं है उसका, है ना, ये मतलब है। यानी जो डेड हुई है पूरी तरीके से डेड हो गई तो वो बैटरी का क्या करे, कुछ नहीं करे, उसको फेंक देना है, फेंक देना। लेकिन कैसे, उसमें एसिड होता है, केमिकल अच्छा नहीं होता है, उसको जमीन में दफन करना कभी भी, है ना, ऐसे फेंकना नहीं है कभी भी, फेंक, यानी उसका कुछ फायदा नहीं है वो बैटरी का खराब हो। लेकिन अगर आपकी बाइक कुछ कारणों की वजह से लो हो रही, बाइक चलाते समय, तो उसका कुछ कारण बन सकता है, इसको हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। बाइक का जो RR यूनिट है, यानी चार्जिंग करने वाला जो कंपोनेंट्स है, रेगुलेटर भी हम लोग पहचानते हैं उसको, तो उसको चेक करना है, वहां से 12 एसी करंट आ रहा है क्या नहीं, जो व्हाइट कलर की वायर आती है एसी करंट, है ना, उसको देखना है बरोबर। उसके बाद उसका जो आउटपुट निकल रहा है वो सही मात्रा में करंट दे रहा है क्या नहीं, उसको भी देखना है। यानी शॉर्टकट में बोले तो जो चार्जर है बाइक को चार्जिंग करने वाला, वो सही मात्रा में है क्या नहीं, उसका करंट ठीक से आ रहा है नहीं, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि बाइक की बैटरी अगर चार्जिंग नहीं होती तो कम होने वाली, लो होने वाली, इसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आप बाइक कितना चलाते, मोटिवेट करना चाहता हूँ वीडियो को आप लोगों के लिए, बैटरी को संभालना है। बैटरी पूरी तरीके से डेड कभी होगी उसका कारण, अगर ज्यादा पुरानी होगी तो डेड हो सकती है, या आप उन लोग खुद डेड करते हैं बैटरी को, ऐसा सही मायने में अगर चलाते तो कुछ होगा नहीं है, है ना। आप 7-8 साल भी 10 साल भी चला सकते हैं कि बैटरी, लेकिन सही मायने में चलाना चाहिए। एक बार बैटरी का, जैसे मोबाइल के बारे में मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो है मोटिवेट करने का। मोबाइल का चार्जिंग करते समय अगर आपका 100% भी हो गया, फिर भी आपने चार्जिंग वैसे ही रखा है, चार्जिंग ऑन रखा है, तो आपका बैटरी फूल सकती है मोबाइल की, खराब हो सकते है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल की बैटरी को 90 या 95 इसके ऊपर चार्जिंग नहीं करना है, थोड़ा कम करना, 100% कभी भी नहीं करना, 95 ज्यादा या 90 करना है। और जो उतरने वाला है मोबाइल की बैटरी, वो 20-15 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसा देखते हैं तो बैटरी का लाइफ अच्छा होगा। अगर 0 तक आप बाइक की बैटरी लाते हैं मोबाइल की भी, तो खराब हो सकता है, या 100% आप ज्यादा करके रखते हैं और वैसे छोड़ देते तो खराब हो सकते है, फूक सकती है ना। मतलब जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, वही तरीका कोई भी बैटरी का होता है, कोई भी बैटरी का, इन्वर्टर हो, घर में लगाने वाला कोई भी, जैसे हम लोग बाइक की बैटरी के बारे में बात करते हैं, वही तरीका। बाइक की बैटरी होता है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है जो हम लोग चलाते हैं, तो उसमें कैसे चार्जर होता है, रेगुलेटर, RR यूनिट, उसका काम है कंट्रोल करना, ये कैसे हमारा बाइक की बैटरी है वो बढ़ाते रहता है 12 वोल्ट, फिर भी 12-13 ऐसे बढ़ाते रहता है ना, 14 भी जाता है, 14.5 के ऊपर नहीं जाती बाइक की बैटरी। अगर ऊपर जाएगी तो जो कंट्रोल करने वाला यूनिट है वो चार्जर, वो थोड़ा कमजोर है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन बाइक की बैटरी 12 के नीचे आना नहीं चाहिए ऐसा सोचते हैं, भले से समझो 11 आ गया, 10 आ गया, चलेगा, कब आ सकता है ऐसे 11, कभी कभी हम लोग ज्यादा नहीं बाइक चलाते, कोई कोई लोग रहता है थोड़ा डिस्टेंस चलाते हैं,
चार पांच किलोमीटर ही चलाते वापस रख देते, ट्रेन पकड़ के काम पर चले जाते, ऐसे भी होता है। तो बाइक हमेशा चलनी चाहिए। अगर नहीं चलती है, जैसे मैं मेरी बात बता, जो दिन अगर मैं तो रोज चलाता, लेकिन अगर बाइक ना कुछ कामों के वजह से अगर बाइक नहीं चलाते तो कम से कम मैं 5-10 मिनट बाइक का इंजन स्टार्ट करता, मिरर स्टैंड पर बाइक रख के बाइक स्टार्ट करता। अगर नहीं रखते तो खराब हो सकता है, बाइक का इंजन जाम हो सकता है, जो यानी अच्छा परफॉर्मेंस आपको बाइक नहीं देगी। यानी मशीनरी हमेशा मूविंग में होनी चाहिए, इसको याद रखना। अगर रुकेगी, काम नहीं करेगी मशीनरी तो खराब हो सकेगी, वो परफॉर्मेंस नहीं देगी। इसके लिए मशीनरी हमेशा मूविंग में यानी चलती होनी चाहिए, ऑन में होनी चाहिए। तो बैटरी के बारे में हम लोग का विषय है, इसके पास हम लोग फिर से आते हैं। तो आपकी बैटरी अगर चार्जर के वजह से कम हो रहा है कुछ कारणों के वजह से, तो इसका आप चार्जिंग कर सकते, देख सकते, इस हिसाब से कर सकते, वो सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते। लेकिन इन्होंने कमेंट में कहा है कि जो बैटरी पूरी तरीके से डेड हो गई, खराब हो गई, पूरी तरीके से डेड हो गई, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, उसको फेंक दो और रिप्लेस कर दो। फेंक दो बोले तो मिट्टी के अंदर गड्ढा करके उसमें डाल दो, क्योंकि वो केमिकल एसिड वाला बात होता, अच्छा नहीं रहता आगे के लिए, है ना, ये बात है। तो इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।